Hi, good morning. Welcome back to my channel, Mohitkan Vlogs. तो आज है 31 तारीख और अभी सुबह के बज गए 10 और अभी भवन भैया भी आ गए थे, टैक्सी आ गई थी हमारी और अभी हम जा रहे हैं सीधा गोराखाल। तो यहाँ पे जो होम स्टे था हमने यहाँ भी छोड़ दिया, अब जा रहे हैं गोराखाल के लिए, फिर उसके बाद निकल जाएंगे हम रानीखेत। मतलब आज पूरा घूमने का प्लान है सारा। बैठ गए हैं, मम्मी बैठ गई है, सामान पूरा पीछे रख दिया है, तो अभी मिलते हैं सीधा आपसे गोराखाल मंदिर। तो अभी हम गोराखाल मंदिर पहुँच गए थे, वहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी और अभी प्रसाद प्रसाद मम्मी ने ले लिया है, मम्मी और चाचा जी ने। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, प्रस्थान कर रहे हैं। और ये आपने देखा है मेरे पहले की वीडियोस में भी देखा होगा, ये मेन एंट्रेंस है मंदिर की, यहाँ से रास्ता जा रहा है गोराखाल मंदिर का। उत्तराखंड में न्याय देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोलू देवता या गोलजू महाराज। नैनीताल जिले के भवाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है रमणीक शांत एवं धार्मिक स्थल गोराखाल। गोराखाल का शाब्दिक अर्थ है घोड़ों के लिए पानी का एक तालाब। इनको थोड़ी देर में रोकेंगे। घोड़ाखाल मंदिर में हमको पूजा पाठ कराने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। घोड़ाखाल मंदिर को घंटियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गोलू देवता का मंदिर भव्य व आकर्षक है। चारों ओर टंगी घंटियों व भक्तों के कागजों पर लिखे मन्नतों से स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवभूमि में गोलू देवता न्याय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में हर तरफ बंदी हजारों घंटियां लोगों में गोलू देवता की आस्था का प्रतीक है। गोराखाल जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है, वही यह आध्यात्मिक व प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। तो अभी घोराखाल मंदिर होके आ गए थे, अब हम आ गए हैं यहाँ पे नानतीन बाबा आश्रम, काफ़ी फेमस आश्रम है ये। घोराखाल वाली जो सीधी रोड जा रही है श्याम खेत में पड़ता है ये, तो ये आप सामने देख रहे हैं ये आश्रम है। और यहीं से एंट्री है नानतीन बाबा आश्रम की, तो ये मेन गेट है। यहाँ पे लिखा भी है सिद्धपीठ स्वामी नानतीन बाबा आश्रम श्याम खेत भवाली नैनीताल। तो चलते हैं अभी अंदर ही। तो ये नानतीन बाबा जी का आश्रम, ये मेन मंदिर है। और ये बाबा जी की प्रतिमा है यहाँ पे।
यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्वामी नानतीन बाबा जी की ये मूर्ति सब भक्तजनों के प्रेम सहयोग से प्रथम वर्षी पर स्थापित हुई है। तो साथ में ये माँ पीताम्बर देवी जी की मूर्ति है। जय बजरंग बली। यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं, यहीं पर ही रेस्टोरेंट है और जहाँ पे हम रुके हैं यहाँ से आप व्यूज़ देखिए कितने अच्छे हैं। और आप सामने आपको भीमताल दिख रहा होगा, वो भीमताल है और ये गांव है नीचे। और अभी हम उस साइड से आ रहे हैं घोड़ाखाल के जो रास्ता है वहीं से आगे जाता है आपको नानतीन बाबा जी का आश्रम जो था। और देखिए पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, पैराग्लाइडिंग भी देखिए कितनी अच्छी हो रही है। हाँ, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे।